नमस्कार, विरासती न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप भी जानते हैं कि आए दिन जो है ट्रैफिक रूल्स का जो है उल्लंघन करते हुए लोग जो है हमें दिखाई देते हैं। अगर बात करें टू व्हीलर्स की तो कहीं ना कहीं जो है कुछ लोग जो हैं बिना हेलमेट के जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। बात करें गाड़ियों की तो गाड़ियों में भी सीट बेल्ट जो है वो नहीं लगाई जाती है और कहीं ना कहीं जो है ओवर स्पीडिंग से जो है आए दिन जो है हमें हादसे भी जो है वो देखने को मिलते हैं। इस समय हम मौजूद हैं विक्रम चौक में और आपको बता दें कि सोमवार से जो है जो इस तरीके से ट्रैफिक उल्लंघन कर रहे हैं और ट्रैफिकों के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक मैं कहना चाहूँगी कि बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि अब जो है आपको हेलमेट्स भी पहननी पड़ेंगी और अब जो है आपको तरीके से जो है गाड़ी भी चलानी पड़ेगी, क्योंकि जम्मू में 44 चौक में जो है हाई डिजिटल कैमरा जो हैं वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं। दोबारा से बता दूँ, कुल 44 चौकों में जो है हाई डिजिटल कैमराज जो हैं वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं और आप देख सकते हैं इस समय विक्रम चौक में इस समय एक बाइक जो है आपको नज़र आ रही होगी कि रेड लाइट हो चुकी है और ये जेब्रा क्रॉसिंग पर आकर जो है वो खड़े हो गए हैं। और सिर्फ बाइक ही नहीं, मेटाडोर की अगर हम बात करें तो मेटाडोर तो इस तरीके से चला रही है कि जैसे घर की खरीदी हुई रोड हो। गाड़ी वाले की बात करें तो यहाँ कुछ लोग जी हैं जो ट्रैफिक रूल्स का जो है वो पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसी बड़ी गाड़ियाँ जिनमें लोग जो हैं भरे पड़े हैं। और आपको बता दें आए दिन एआरटीओ ट्रैफिक वाले जो हैं एक नाका जो है वो लगाते रहते हैं, लेकिन अगर हम दूर से उस मेटाडोर की तरफ देखें तो कहीं ना कहीं जो है उसमें जो है लोगों को भरा गया है भेड़ बकरियों की तरह। तो ऐसे ही लोगों के लिए जो है अब ट्रैफिक रूल्स जो हैं वो सख्त होने लगे हैं। और अब एक खुशखबरी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, ये कि अब आपकी मनमानी जो है वो ट्रैफिक पुलिस के पास जो है वो जो नहीं चलेगी और अब आपको जो है रोज़ के रोज़ जो है ट्रैफिक रूल्स का जो है वो पालन जो है वो करना पड़ेगा। आपको बता दें 44 चौक में से एक चौक जो है वो डोगरा चौक, विक्रम चौक, इंदिरा चौक, रेलवे, सतवारी, डिग्याना, बड़ी ब्राह्मणा, कुंजवानी, जानीपुर, ताली मोड़, शहीदी चौक, जीवल चौक, बख्शीनगर और महेशपुरा, पनामा चौक, ये सारे चौक में जो है अब हाई डिजिटल कैमराज जो है वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं। यानी कि अब देख सकते हैं आप दोबारा से एक गाड़ी जो है यहाँ पर आगे खड़ी हो गई है। अब अगर हम बात करें दूसरी या तीसरी कक्षा की तो एक बहुत ही अच्छा ज्ञान जो है वहाँ पर दिया जाता है कि जब भी रेड लाइट जब भी ट्रैफिक लाइट जो है वो रेड हो तो गाड़ियाँ जो है वो रुक जाती हैं, लेकिन शायद इनकी पढ़ाई जो है वो आधी अधूरी रह गई है कि ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे जो है गाड़ियों को रोक देते हैं और आने जाने वालों को जो है वो दिक्कत कहीं ना कहीं से होती हुई नज़र आती है। लेकिन अब खुशखबरी ऐसे लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं ट्रैफिक रूल का उल्लंघन कर कर अपने आप को बचाते हैं और चलान जो है वो नहीं देते हैं, उनको देख कर अब आपको भागने की भी जो है वो ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अब कैमरा जो है सीधा चलान जो है आपके फ़ोन पर भेज देंगे। और ट्रैफिक रूल्स की अगर बात करें तो अगर 3 महीने तक आप चलान जो है वो पेश नहीं करते हैं तो आपकी गाड़ियों को जो है ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। आपको दोबारा से बता दें कि सोमवार से जो है अब आपकी मनमानी जो है वो नहीं चलेगी, अब आपको भी जो है ट्रैफिक रूल्स का पूरे से पूरा एक पालन जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बात करें जम्मू की 44 चौक में जो है इस समय हाई डिजिटल कैमरा जो है वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं और सोमवार से ये कैमरा जो है अपना काम करना जो है वो शुरू कर देंगे। थोड़े बहुत रूल्स जो हैं, एक बेसिक रूल्स आपको बता दें, इस समय आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो है यहाँ पर विक्रम चौक में देख रहे होंगे तो आपको बता दें कि जब भी ट्रैफिक लाइट रेड होती है तो आपको जो है इस लाइन्स के पीछे जो है जाकर रुकना है। अगर आप लाइन्स के आगे आके रुकते हैं तो भी आपका जो चलान है वो कटेगा। और अगर आप बिना हेलमेट के जो है ट्रैवल करते हैं, अगर आप टू व्हीलर पर हैं बिना हेलमेट के ट्रैवल करते हैं तो ऑब्वियसली चलान जो है आपके फ़ोन तक जो है वो पहुंच जाएगा। बात करें फोर व्हीलर्स की तो आपके लिए भी जो है अब सीट बेल्ट डालना जो है अब कंपलसरी हो गया। अगर आप भी चाहते हैं भारी जुर्माने से बचना और चाहते हैं अपनी गाड़ियों को बचाना और सबसे बड़ी बात अगर चाहते हैं अपनी जान बचाना तो कृपया करके ट्रैफिक रूल्स का जो है वो पालन करें। अभी के लिए इतना ही, ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहें विरासती न्यूज़ के साथ।